पार्टी और हुक्मरान जमात नून लीग में फासलों की बर्फ पिघल गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात आज होगी। कौमी असम्बली के बजट इजलास से पहले बिलावल भुट्टो की वफद के साथ वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान। बिलावल जरदारी वजीर आजम को वफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़ुज़ात के बारे में बताएंगे। वफाक बजट पर पार्टी तहफ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना, नेशनल ग्रिड भी बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लोड शेडिंग शेड्यूल भी बना दिया। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल की। सूबे भर में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना करने का हुक्म। अराकीन असेंबली को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी। कहा IG को कहा है वापदा के कहने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अवैस लगारी को कॉल की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो आज़ाद और हम भी आज़ाद, बटन दिखा दिया, हमारी बिजली कम की तो नेशनल ग्रिड ऑफ कर दूंगा। अली अमीन गंडापुर अनारकी के बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें, विफाक हुकूमत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा वजीर आला पर बड़ी जिम्मेदारी है, मनफी सियासत के साथ मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर अपने आप को किसी मजबूत बयानिए में लाएं, आवाम में जाकर बयानात से जज्बात को हवा देना लीडरशिप का शेवा नहीं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले PTI ने अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो तर्ज अमल तब्दील करना होगा। दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता, अली अमीन गंडापुर ने तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लोड शेडिंग पर 2 रोज में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा इफहाम और तफहीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी, पूरी कोशिश है कि लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो, विफाकी तंसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अहमदगढ़ दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने डिप्टी कमिश्नर्स को गैर एलानिया लोड शेडिंग रोकने का टास्क दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत। वजीर आला की हिदायत पर मरासला लिख दिया। कहा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के अवकाफ की निगरानी करें, बाज मकाम पर 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरान या 12 घंटे से ज्यादा ना हो, खराबी की सूरत में मुमकिन कम से कम वक्त में बिजली बहाल की जाए, वजीर आला की हिदायत। हज के दौरान सऊदी अरब में मुकम्मल मजमू तौर पर 35 पाकिस्तानियों की अमवात हुई, 20 अफराद मक्का में, 6 मदीना में, 4 मिना, 3 अरफात और 2 मुजदलिफा में जहाँ बहक हुए। DG हज ने कहा 50 डिग्री दर्जा हरारत में हज मुश्किल था। वजारत मजहबी उमूर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा आजमीन को बेयारों मददगार छोड़ने के इल्जाम बेबुनियाद हैं। जहाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी, पहली परवाज दोपहर को कराची पहुंचेगी। मुल्तान लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शेड्यूल, मजमू तौर पर हुजाज कराम को लाने के लिए 250 परवाजें चलाई जाएंगी। मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसेंगे, महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शुमाल मशरकी बलोचिस्तान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे, वस्ती जनूबी पंजाब में आंधी के बाद बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी, दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी तआवुन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा। मोहम्मद बिन जायद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बड़ी ईद की छुट्टियां ख़त्म, सरकारी दफातर और बैंक खुल गए, दफातर में हाजिरी कम, कराची लाहौर इस्लामाबाद और पेशावर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। मुश्तरका बयान में कश्मीर से मुतालिक भारत का एतराज मुस्तरद, तर्जमान वजारत खारजा ने कहा जम्मू कश्मीर पर भारतीय दावे बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं, हकीकत है कि यह आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत पाक चीन इक्तसादी राहदारी से मुतालिक आलमी बिरादरी को गुमराह ना करे। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए, तासुर दिया जा रहा है कि पाक चीन ताल्लुकात में कमी आ गई, ज़ाती मफाद के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, मुखालिफीन को दबाव में लाने के लिए ट्रॉलिंग की जाती है, हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में रियासत से बढ़कर कुछ नहीं। बजट पर बहस कौमी असम्बली और सेनेट में आज से दोबारा शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर से बहस का आगाज होगा, हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जवाब देंगे। इवान बाला में भी बजट पर बहस।